हे गाइस, पिछली वीडियो में हमने किया था टेराफॉर्म इंट्रोडक्शन और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन। सो बट उससे पहले मेरे पास एक बुक है टेराफॉर्म की, अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी कॉपी कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना, तो मैं वहाँ से उठा के आपको मेल कर दूंगा। राइट किया था। सो लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, मैंने बताया कि पिछली वीडियो में हमने किया था टेराफॉर्म का इंट्रोडक्शन। तो टेराफॉर्म के इंट्रोडक्शन में बताया था कि टेराफॉर्म क्या है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोड बताया था मैंने पूरा डीप में। तो उसके बाद बताया था कि क्लाउड फॉर्मेशन क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, मल्टीटाइप एप्लीकेशन के लिए स्टेबल है कि नहीं है, और स्टेबल है तो हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में करने वाले हैं इंस्टॉलेशन ऑफ टेराफॉर्म की, टेराफॉर्म को इंस्टॉल कैसे करते हैं। राइट, तो उसके लिए चलते हैं अपनी AWS की स्क्रीन पे और लेट की टेराफॉर्म लैब 2, ये मेरा इंस्टेंस बनाया है मैंने, तो इसको ओपन कर लेते हैं। IP एड्रेस ओपन, इसी पर थोड़ा सा मैं इसका फ़ॉन्ट भी बढ़ा लेता हूँ तो ताकि ईजी टू विजिबल रहे। राइट, मैं इसको 16 पे कर लेता हूँ। राइट, ओपन ओके, और रूट से लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं पहले एक बार कमांड मार के देख लेता हूँ कि टेराफॉर्म पहले से इंस्टॉल ना कर रखा हूँ मैं टेस्टिंग के लिए। तो टेराफॉर्म कमांड नोट फाउंड, इसका मतलब है कि टेराफॉर्म मेरा इस पर इंस्टॉल नहीं है तो हम कर सकते हैं। चलो गाइज, हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं टेराफॉर्म नाम से, जहाँ पे हम अपनी बाइनरी फाइल को डाउनलोड करके रखने वाले हैं। मतलब कुछ भी बना सकते हैं, इट्स नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमें टेराफॉर्म ही बनाने हैं, ABCXYZ कुछ भी बना सकते हैं। तो उससे पहले हमारे पास दो कमांडे हैं इंस्टॉल्ड होनी चाहिए हमारे पास, एक तो VGET जिसे हम अपनी फाइल जो बाइनरी फाइल एग्जीक्यूट होगी उसको हम डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद एक फाइल होगी हमारी जो उसको अनजिप करेगी। तो उसको अनजिप करने के लिए, क्योंकि वो पैकेज जो जिप फॉर्मेट में आता है, तो उसको अनजिप करने के लिए भी हमारे पास टूल होना चाहिए, तो इनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये पहले भी इंस्टॉल्ड है और एक पैकेज शायद इसने इंस्टॉल्ड किया है, तो पहले इंस्टॉल्ड है तो लीव दैट, अदरवाइज इसको इंस्टॉल होने दो। राइट, हमारा पैकेज भी इंस्टॉल हो गया, डायरेक्टरी बन गया। अब हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हैंसिकॉर्प की, तो यहाँ पे लिखो डाउनलोड टेराफॉर्म लेटेस्ट वर्जन। ओके, पहले जो URL आएगा उसको ओपन करो एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, और हमारा कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 bit, इसका URL कॉपी करो, राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस एंड देन पेस्ट टू आवर पुट्टी सेशन VGET। ओके, डाउनलोड, क्योंकि छोटी सी फाइल होती है इसने डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद क्या अनजिप करना पड़ेगा, आई टोल्ड यू कि जिप फॉर्मेट है, अनजिप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने, टेराफॉर्म अनजिप होके आ गया। अब ये अनजिप होके कहाँ पे आया है, ओप्ट टेराफॉर्म में। अब जो मेन और मैंडेटरी बात है वो है कि हमें इसको कहाँ पे मूव करना है। अब इस टेराफॉर्म फाइल को, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, हमें इंस्टॉलेशन नहीं करना, जस्ट इस फाइल को हमें एक प्लेस पे रखना है जहाँ से हम इसको कॉल करेंगे बार बार। राइट, तो हम इसको, मैं रख रहा हूँ यूजर बिन के अंदर। ओके, ये मूव हो गया बिन के अंदर। अब अगर बोलो तो सिंपल, इससे ज़्यादा इंस्टॉलेशन कुछ नहीं है टेराफॉर्म में। अगर आप टेराफॉर्म -v करोगे तो वर्जन दिखा देगा कि आपका लेटेस्ट वर्जन टेराफॉर्म 13.3 है, बट कई बार क्या होता है कि आपको एरर मिलेगा कि टेराफॉर्म कमांड नॉट फाउंड। वो एरर क्यों मिलेगा वो मैं बताता हूँ कि टेराफॉर्म कमांड एरर लाइक दैट, इस टाइप से एरर आता है कि टेराफॉर्म, अभी तो मैंने कमांड गलत डाली है, बट कई बार ऐसा ही एरर आता है अगर आप प्रॉपर इंस्टॉलेशन भी करते। तो उसका मेन रीज़न होता है कि आपने उसके पाथ को कई बार जो लिनक्स है उठाता नहीं, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे रूट एंड लाइक .bash rc की अपनी जो फाइल्स होती है उसमें जाके उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे एक्सपोर्ट कर रखा है, और मैंने उसके लिए पूरा ट्यूटोरियल लिख रखा है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। आपको कुछ मैनुअली करने की जरूरत भी नहीं, कॉपी पेस्ट से आप पूरा कर सकते हो। देखो, इस CentOS Ubuntu में और CentOS 7 में आप विजिट करके देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि जस्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं पाथ को। एक्सपोर्ट के लिए देखो, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट करके दिखा रखा है, ये वाला पाथ उठाओ एंड कॉपी एंड पेस्ट, कुछ नहीं करना, बस तुम्हारा पाथ क्या है, मैंने वहाँ पे बिन में रख के एक्सपोर्ट करवा रखा है, तो यहाँ पे आपने यूजर बिन में किया है, तो दैट्स डन। अब वो एरर जो आना था आपका, वो एरर भी नहीं आएगा
अब आपका टेराफॉर्म हाइफन भी मतलब प्रॉपर इंस्टॉल्ड हो गया। अब हमारा यहाँ पे मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमें करने की ज़रूरत है, जैसे कि अपना टेराफॉर्म प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके उसकी टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम एक टेराफॉर्म ड्रैग के लिए एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, mkdir टेस्ट करना, तो टेस्ट के नाम से बना लेते हैं। cd cd टेस्ट के अंदर चला गया, राइट। यहाँ पे मैं एक फाइल बना के रख लेता हूँ, demo.tf। अब ध्यान दें कि इसकी एक्सटेंशन tf, tf मतलब टेराफॉर्म ही होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। और एक डेमो का कोड कर लेता हूँ। अब कोड के बारे में अभी मतलब मत ज़्यादा फोकस करना, हम इसको बाद में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्या कर रहे हैं। अभी जस्ट हम डेमो देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। हमारे पास टेराफॉर्म कोड हो गया। करना क्या है, हमें चेक करना है कि जो हमारा इंस्टॉलेशन हुआ वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए हम कुछ बेसिक कमांडें चला के देखेंगे कि जो हमें मतलब कि क्रॉस वैलिडेट या फिर 100% श्योर कर दे कि हमारा टेराफॉर्म प्रॉपर चल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले कमांड आते हैं टेराफॉर्म इनिशियलाइज। अब टेराफॉर्म इनिशियलाइज क्या करते हैं, टेराफॉर्म इनिशियलाइज क्या करते हैं उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि आगे आएगा तो हम वेल वे से डिस्कस करेंगे। बट फॉर ओवरव्यू के लिए आप कह सकते हो कि ये जो AWS का प्लगइन होता है या API होती है, उनको डाउनलोड करती है, जो कम्युनिकेशन में यूजफुल रहता है, उसके बिहाफ पे हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो हमारी टेराफॉर्म इनिशियलाइज वाली कमांड चल रही है प्रॉपरली। अब हम चलाते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड, टेराफॉर्म प्लान वाली। टेराफॉर्म प्लान में जो हमने कोड में लिखा था, फाइल में लिखा था, अब वो शो करेगी पहला टेराफॉर्म प्लान कि हम जो रिसोर्स बिल्ड कर रहे हैं, जो हमने टेराफॉर्म फाइल लिखी है, तो AWS के कंसोल पे जाके वो क्या एक्शन परफॉर्म करने वाली है, वो क्या बिल्ड करने वाली है, कौन सा रिसोर्स है, EC2 बनाएगी, लोड बैलेंसर बनाएगी, जो भी आपको आपने डिफाइन किया आपकी फाइल में, वो सब यहाँ पे प्लान कर देगा। और ये इसको आप बोलते हो कि ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब कि आप एक्चुअल में आप रिसोर्स क्रिएट नहीं कर रहे, बट उससे पहले आप क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो कि क्या करने वाले आप कंसोल पे। तो देखो अभी ये बता रहे कि आप एक रिसोर्स ऐड करने वाले हो, राइट, बट आप नहीं कर पाओ क्योंकि एक आपका ड्राई रन है। बस जस्ट आपको ये इन्फो देता है कि हाँ आप ये ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको रियली में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेराफॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। टेराफॉर्म अप्लाई करने से पहले, टेराफॉर्म अप्लाई कमांड नहीं चलेगी, रीजन बिहाइंड कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, टेराफॉर्म अप्लाई के लिए जब हम जिस यूजर से अपने रिसोर्स लॉन्च करने की सोच रहे हैं, तो उस यूजर से पहले हमें AWS एक्सेस की और सीक्रेट की मांगनी पड़ेगी। तो लेट्स सी कि हम अब देख ही लेते हैं, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, अब देख ही लेते हैं कि अप्लाई कमांड भी काम कर रही है कि नहीं। बट इंस्टॉलेशन का हमारा पार्ट पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, हमें चाहिए सीक्रेट की। तो चलो उसके लिए हम एक यूज़र ऐड कर लेते हैं। यूज़र का नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ मैं रख लेता हूँ, टेराफॉर्म। उसको कौन सा एक्सेस चाहिए, टेराफॉर्म स्पेस इज नॉट अलाउड, ओके। प्रोग्रामेटिक एक्सेस दे देता हूँ मैं उसको, राइट, ठीक है। एक्सेस अटैच पॉलिसी कर देता हूँ, अटैच पॉलिसी में उसको एडमिन एक्सेस दे देता हूँ फुल, राइट। अब नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। अब अपना एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा, और ये जब क्रिएट होगा तो हमें साथ में क्या मिलेगा, एक एक्सेस की मिलेगी। ये एक्सेस की हमें चाहिएगी यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए। तो अब टेराफॉर्म अप्लाई से पहले क्या करना पड़ेगा, AWS कॉन्फ़िगर की कमांड चलानी पड़ेगी, कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर, राइट। AWS कॉन्फ़िगर में ये बोलेगा एक्सेस की, आपकी एक्सेस की डाल दो। अब आपसे पूछेगा ये आपकी सिक्योर की क्या है, सीक्रेट की क्या है, इसको कॉपी करो, इसको यहाँ पे जाओ पेस्ट करो, या ओके कर दिया। अब ये जो रीजन है आपका, मेरा ये सेम है तो मैं इसको सेम ही छोड़ देता हूँ। मतलब कि आपका जो रीजन है, लाइक देखो यहाँ पे US East 1 है, ऊपर US East 1 है, तो मेरा US 1। जो आपका फॉर्मेट चाहिए वो जेसन में चाहिए, आप TXT में भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अपना AWS कॉन्फ़िगर हो गया। अब आप अगर अप्लाई कमांड चलाओगे तो टेराफॉर्म अप्लाई करेगा, APLY अप्लाई। लेट्स सी कि कुछ एरर आता है कि आई थिंक नहीं आना चाहिए, यस। देखो अब ही इज़ क्रिएटिंग ए रिसोर्स, इसका मतलब कि हमारा जो हमने इंस्टॉलेशन किया है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। तो क्रिएट कर रहा है, तो एक बार कंसोल पे वेरीफाई कर लेते हैं कि प्रॉपरली क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेट्स सी ऑन कंसोल, सर्विस में जाओ, EC2 में जाओ, तो यहाँ पे एक नया रिसोर्स क्रिएट होना चाहिए, ओके।
देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि राइट, देखो एक इनिशियलाइज स्टोर, इसने एक इनिशियलाइज कर दिया इंस्टेंस को लॉन्च करना, राइट। अभी 1-2 मिनट लेगा, तो जो भी अपना टाइम स्पिनअप होने में लेता है वो तो नॉर्मली यूजली लेगा ही। तो देखो इसने दिखा भी दिया कि कंप्लीट हो गया, एक रिसोर्स ऐड कर दिया है, और रिसोर्स की डिटेल्स ऊपर आगे दी गई है कि क्या क्या इसने किया है, ये हम बाद में देखेंगे। बट इसने अपना सक्सेसफुली पूरे रिसोर्स को स्पिन अप कर दिया। अब अपने नेक्स्ट कमांड है जो है, अब जो रिसोर्स इसने किया इसको ही हम डिस्ट्रॉय करके देख लेते हैं कि इसको डिस्ट्रॉय कर पा रहा कि नहीं, डिस्ट्रॉय वाली कमांड चल रही है कि नहीं चल रही है प्रॉपरली। तो यस, तो डिस्ट्रॉय वाली भी हमारी जो आईडी थी वो थी इंस्टेंस आईडी 699 वाली कर रहा है। तो डिलीट इसको देख लेते हैं एक बार यहाँ पे जाके कि प्रॉपर डिलीट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। देखो इंस्टेंस आईडी 6E, राइट। तो रिफ्रेश करके मैं दिखाता हूँ आपको, ये टर्मिनेट होना भी स्टार्ट हो गया। देखो तो इसने इसको टर्मिनेट करना भी स्टार्ट कर दिया। तो मतलब हमारी सारी कमांडें प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कमांडें बेसिक कैसे चलानी है। बट मैं आपको बताऊंगा कि हम कमांडे कंसोल से नहीं चलाएंगे, हम कमांडे चलाएंगे जेनकिन्स से। जैसे कंपनी में जो कॉन्फ़िगर होता है वो प्रॉपर वे से होता है कि कंसोल से एक्सेस करके कोई कमांड नहीं चलाता, उनको वो इंटीग्रेट करते हैं, जो बना लेते हैं, जो वो कमांडे यहाँ पे ट्रिगर करेगी और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे जेनकिन्स से। जो हमने इंस्टॉलेशन किया है टेराफॉर्म का, उसको हम करने वाले हैं जेनकिन्स से इंटीग्रेट। क्योंकि कंपनी में ऑफिस में ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता कि कोई डायरेक्टली आता है और कमांड चला देता है, राइट। तो हम एक प्रोफेशनल वे से करने वाले हैं गाइज। अभी इंस्टॉलेशन में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।